हेलो एवरीवन, एफएलएन ट्रेनिंग के हमारे 1, 2 और 3 डेज के रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको वो पसंद आ रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। डे 4 के वीडियो की समरी हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं और इसमें हमें आप पूरी तरीके से देखेंगे कि क्या हमारे विभिन्न सत्र रहे। बेसिकली ये जो सत्र है हमारा, ये हमारा रेमेडियल के लिए जाना जाएगा और रेमेडियल टीचिंग को हम कैसे करेंगे, आकलन प्रपत्र हम कैसे भरेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस दिन की शुरुआत में एक बहुत ही उत्साहवर्धक पजल हमारे बीच में आ जाती है और इस पजल पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस केन में, ये हमारी जो केन पजल है, ये पजल इस तरीके की है कि एक हमारा ये ब्लॉक है जो कि हमारा ब्लू कलर से बन रहा है। इस ब्लॉक में हमें संख्याएं रखनी है, 1, 2 और 3 में से संख्याएं रखनी है। इन संख्याओं के 2 संख्याएं कोई भी आप रख करके, जिनके जोड़ने या घटाने से, जैसे कि यहां पर मैं संख्या रख के आपको बता सकता हूं कि यहां पर आप या तो यहां पर 3 रख लें, यहां 2 रख लें, तो इन दोनों में माइनस करने से हमारा 1 आ रहा है, या फिर हम यहां पर 2 रखा है तो यहाँ 1 रख दें तो हमारा माइनस करने पर 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें से कुछ रखेंगे। केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारे आप 36 तरीके में एक संख्या रिपीट नहीं होगी और ना ही ये संख्या हमारी ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल कहलाता है उस पर रिपीट होनी है। यानी इस कॉलम में अगर हमने एक बार 3 का प्रयोग किया तो यहां पर अगर हम 3 लेके आ गए तो यहां पर हमें 3 नहीं लाना है, यहां पर 3 नहीं लाना है। इस तरीके से यहां पर 3 दिया हुआ तो यहां पर 3 नहीं आएगा, न इस लाइन में 3 आएगा न इस लाइन में 3 आएगा। तो इस तरीके से इस गेम पजल को हमें पूरा करना था। बहुत ही उपयोगी और कह सकते हैं रोचक गतिविधि है। बच्चों के साथ जब आप इसे पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस गतिविधि को पूरा करने के बाद आप देखेंगे कि इस गतिविधि के आंसर के तौर पर ये चीज आई थी और बच्चों को बाद में जब आप ये चीज दिखाएंगे तो ये केन पजल बनाई जा सकती है और इस तरीके की केन पजल का आप अपने आप से निर्माण करके बच्चों को गतिविधि दे सकते हैं जिससे कि बच्चे खेल खेल में गणित के जोड़ और घटाव को सीख पाएंगे। यहां पर आप देखिए, तो यहां पर हमें -1 लाना था तो 3 को हम डायगनल में रख सकते थे, डायगनल रख सकते थे, यहां पर नहीं रख सकते थे और यहां पर 3 नहीं रख सकते थे। यहां पर 3 ऑलरेडी था इसलिए 3 यहां पर आ जाएगा। जब 3 यहां आ जाएगा तो अब हमारे पास इस खाने में ही 3 आना है। इस खाने के बाद यहां पर हमको 4 लाना है तो निश्चित तौर पर हम यहां पर 1 1, अब चूंकि 1 यहां पर आ चुका है तो इस लाइन में और इस लाइन में 1 नहीं आएगा। इस तरीके से इस पजल को हम पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके थे और यही पजल हमारे शिक्षकों के लिए नई पजल बनाने की एक पहेली बनती है कि नई पजल वो कैसे बनाएंगे जिसे कि केन पजल कहा जाएगा। तो किन संख्याओं से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे के सत्र में हमें समेकन के 5वें दिन में हमें समेकन और गतिविधि आकलन करनी होती है। तो अब हम शिक्षण चक्र पर चर्चा करेंगे कि हम समेकन कैसे करेंगे और आकलन कैसे करेंगे। तो 5वां दिन जो हमारा है वो समेकन और आकलन है। तो इस पर हम बात करेंगे कि समेकन शिक्षण योजना कैसे बनाई जाए, आकलन कार्यपत्र कैसे बनाया जाए, ट्रैकर कैसे भरे जाए और इनकी संरचना को कैसे समझा जाए, इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। तो 60 मिनट का जो हमारा ये बिंदु है यहाँ पर हम समेकन शिक्षण योजना और उपलब्ध संसाधनों से 15 मिनट चर्चा करेंगे, आकलन की प्रक्रिया और उपलब्ध साधनों पर बात करेंगे, समूह कार्य और प्रस्तुतिकरण 30 मिनट में और समेकन 5 मिनट में होगा। ये हमारे 60 मिनट के इस शिक्षण चक्र का या इस ट्रेनिंग का एक कह सकते हैं कार्यवृत्त था। इसके बाद हमारी जो अगली चीजें हैं उसमें हमें समेकन शिक्षण योजना के आकलन के लिए संसाधन आता है। तो अगर हम शिक्षण योजना पूरी कर चुके हैं तो 5वें दिन जब हमारा समेकन और आकलन किया जाना है, जब हमारा समेकन और आकलन किया जाना है तो ये 5वां दिन है। इसमें संशोधन क्या है कि हमें समेकन शिक्षण योजना बनानी होगी। समेकन शिक्षण आप समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने हिंदी शिक्षण योजना अगर बनाई 1, 2, 3 और 4 डेज, हमने 4 दिन पढ़ाया है, ये 4 दक्षताएं पढ़ी हैं, तो समेकन हमें आपका करना होगा और वो हमारा 5वें दिन हो जाएगा। जबकि गणित में हम ऐसा कर सकते हैं कि समेकन शिक्षण योजना हमें 3ों दिन के उसको पूरी तरीके से समेकित करेगी, क्योंकि 3 दिन के शुरुआत में जब हम पढ़ाएंगे तो हम 3 दक्षताओं को पढ़ाएंगे और 4थे दिन जो हमारा रिक्त कालांश है उसमें हम समेकन करें और अपनी उपस्थिति के अनुसार किस वक्त दिन को पूरा करेंगे। और 5वें दिन के लिए हमें आकलन प्रपत्र रखना होगा। फिर हमारे ट्रैकर हैं जिनमें वार्षिक ट्रैकर,
साप्ताहिक ट्रैकर और कार्यपुस्तिका ट्रैकर है। तो इस तरीके से ट्रैकरों की संख्या 3 हो गई हमारी, जिसमें कार्यपुस्तिका ट्रैकर केवल हमारा कार्यपुस्तिका में मिलेगा और बाकी हमारा जो साप्ताहिक ट्रैकर है और वार्षिक ट्रैकर है ये हमारे संदर्शिका में मिलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि संदर्शिका में ये दो ट्रैकर मिलेंगे। इसके लिए हमें अधिगम शिक्षण सामग्री में एनसीईआरटी की गणित किट मिलती है, गणित के पोस्टर मिलते हैं और गणित का कीबोर्ड और बोर्ड मिलते हैं। यहाँ पर छोटी चीजों में कुछ चीजें और दिखाई गई थी, इनको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप समझे तो शिक्षक के लिए संदर्शिका दी गई है, समेकन शिक्षण योजना वहां मिलेगी, वार्षिक ट्रैकर प्लस साप्ताहिक आकलन ट्रैकर ये हमें संदर्शिका में मिल जाएगा। बच्चों के लिए कार्यपुस्तिका है जिसमें आकलन प्रपत्र होगा और कार्यपुस्तिका ट्रैकर होगा। कार्य शिक्षा के लिए हमें एनसीईआरटी की गणित किट है, 16 पोस्टर है और 9 गणित के कार्ड विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराए गए हैं। समेकन शिक्षण योजना संदर्शिका प्रतिदर्श के रूप में दी गई है, यानी एक दी गई है और आपको उदाहरण के तौर पर यह समझाई गई है। इसी तरीके से आपको दूसरी योजनाएं बनानी है। अगले सत्र में आकलन की भूमिका में शिक्षक कैसे काम करेगा इस विषय पर बताया गया है। तो आकलन की भूमिका क्या होगी, तो जब हम आकलन किसी बच्चे का करते हैं तो हम शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि आकलन से हमारी सफलता तय होती है। अगर हम ये बात आकलन नहीं करते, हमने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे को कितना समझ में आया, अगर हमने ये नहीं समझा तो हमें ये रेमेडियल करना है या बच्चे को आगे लेके जाना है, बच्चे ने दक्षता प्राप्त की कि नहीं प्राप्त की, इस विषय का आकलन नहीं हो पाएगा। तो शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षण योजना और गतिविधि में दिए गए प्रश्न पत्रों से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि बच्चा कितना समझ रहा है। दूसरी चीज ये आती है कि कार्य पत्रक में बच्चे से कार्य कराया जाए, बच्चों की प्रगति और उसकी कठिनाइयों को समझने की कोशिश की जाए। तो शिक्षण के प्रक्रिया के साथ भी आकलन हो सकता है जो दैनिक स्तर पर होगा, और साप्ताहिक स्तर पर आकलन के लिए हमें प्रपत्र बनाना पड़ेगा, ये बात याद रखेंगे। दैनिक स्तर पर आप बोध प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से थोड़े से समस्या प्रश्न भी पूछे, जिससे कि बच्चे आपके प्रश्न के साथ पुस्तिका का जो आपका अध्ययन है उसके साथ जुड़ाव महसूस कर सकें। आगे हमें दैनिक स्तर के तौर पर किस तरीके से हम चीजों को पूरा करेंगे इस बात पर चर्चा की गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुदेशात्मक कार्य हमारा 1 से 4 दिवस का है। अब अगर हम बात गणित की करें तो केवल 1 से 3 दिनों में हमें शिक्षण करना है, चौथे दिन का प्रयोग हम समेकन के साथ या किसी शिक्षण योजना के तीनों प्रश्न पत्र तीनों दक्षताओं को एक साथ पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कार्य हैं किसी भी प्रश्न पुस्तिका के साथ, ये पहला कालांश जो हमारा है ये 40 मिनट का एक कालांश होता है। दूसरे कालांश में हम कार्य पत्रक अभ्यास पत्रक पर कार्य करेंगे, ये हमारा 40 मिनट का दूसरा कालांश होगा, और गणित खेल हमारा 40 मिनट का तीसरा कालांश होगा। तो ये हमें याद रखना है, जो हमारी संदर्शिका में दी हुई शिक्षण योजना है ये एक दिन वर्षीय शिक्षण योजना है और ऐसी ही शिक्षण योजना को हमें फॉलो करना है। बच्चों के लिए जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं, अगर बच्चों ने प्रश्न पत्र 70% हल कर लिए हैं तो ही हम कार्य पत्र की ओर जाएंगे, अन्यथा हम बच्चे को अवधारणा दोबारा से स्पष्ट कराएंगे। बच्चों के द्वारा किए गए कार्य पत्र को विशेष कठिनाइयां अगर हमें मिलती हैं तो उन्हें चिन्हित कर बच्चे की समस्याओं को हल करेंगे। यहाँ पर हमें एक पेज पर 3 खेल गणित खेल दिखाई देते हैं जो कि तीनों दिवस से संबंधित है, और इन्हीं तीनों दिवस के गणित खेल हम संबंधित दिवस पर रखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी दैनिक शिक्षण योजना है जो कि चारों हमारे पूरे सारे सप्ताह में 1 से 4 दिवस तक चलेगी। आगे हम देखते हैं, तो दैनिक स्तर पर जब हम ये कार्य करते हैं तो अनुदेशात्मक कार्य पर हम चर्चा कर चुके हैं, आगे के उसमें हम देखते हैं तो साप्ताहिक स्तर पर हम 5वें दिन कैसे कार्य करेंगे। यहाँ पर 5वें दिन में हम सबसे पहले ये बात देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों ने जो कार्यपत्रक किए हैं तीनों दिन के लिए, क्या वो कार्यपत्रक सही ढंग से पढ़ाए जा चुके हैं। तो 1 से 4 दिवस तक तो हमारा ये काम होगा। समेकन शिक्षण हमारा 4थे दिन किया जाना है, 5वें दिन आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया आपके द्वारा भरा जाना है, और उसके बाद साप्ताहिक आकलन ट्रैकर हमारा 6थे दिन पूरा किया जाना है। तो इस तरीके से जो समेकन शिक्षण योजना होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा अगर एक प्रश्न ये है, दूसरा हमारा ये है, मैं इंक चेंज कर देता हूँ, एक ये हो जाता है, दूसरा हमारा ये, तीसरा ये, तो इन्हीं तीनों का हमारे पास समेकन किया जाना है। ये देखिए आप 3 स्तर देख रहे हैं, तो इस समेकन जब हम करेंगे तो तीनों दिवस की दक्षताओं को हम क्लियर करेंगे, और जब हम कार्यपत्रक तैयार करेंगे तो वहां पर भी इन दक्षताओं के अनुसार ही कार्यपत्रक की समस्याओं को हम शामिल करेंगे। और अगर बच्चा इन तीनों कार्यपत्रकों को आसानी से पूरा कर लेता है तो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में बच्चे के द्वारा दक्षता प्राप्त कर लेने की तिथि को हम अंकित करेंगे, और इस तरीके से बच्चे के द्वारा किए गए कार्य से हमारे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को भरा जाएगा। तो आगे की उसमें देख लेते हैं, समेकन हम किस तरीके से करेंगे, इस विषय पर समेकन और आकलन के लिए कुछ चीजें हमें बताई गई हैं। इनको भाषा में समझ लेते हैं कि समेकन शिक्षण योजना क्या है। तो पिछले 4 दिनों में किए गए अनुदेशात्मक कार्य को एक साथ बच्चों की प्रगति को समेकित कर समझाने का प्रयास करेंगे। चिन्हित अंतराल में यह बात तय करना होगा कि बच्चा कितनी कक्षाओं में किए गए कार्यों को याद रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है, यानी उसके द्वारा स्मरण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और दूसरी चीज वो अपने ज्ञान का प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं।
अगर बच्चे को पढ़ाई गई दक्षता, जैसे कि आपने जोड़ या घटाव की अवधारणा बताई है, और बच्चा अगर घटा करके आंसर दे देता है तो इसका मतलब वो अपने ज्ञान का प्रयोग कर पा रहा है। और आवश्यकता अनुसार आप चौथे दिन के कालांश का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा एक रिक्त कालांश है। आकलन प्रपत्र आपको तीनों दिवस के दिए गए कार्यों पर आधारित प्रश्न दक्षताओं को सम्मिलित करते हुए बनाना है। ये बच्चों के लिए इसके 50% भाग को करना अनिवार्य है, तभी आप उसको कार्यपत्रक प्रोवाइड कराएंगे। और आकलन ट्रैकर में आप 50 प्रश्नों से ज्यादा सही भाग अगर वो कर लेता है तो उसका आपका ग्रुप आपका भी हो जाएगा, और अगर वो नहीं कर पाता है तो आप ए में रहेंगे। ए ग्रुप में याद रखना है, ए ग्रुप में 50% से कम वाले बच्चे रहेंगे, ये बात आप याद रखेंगे। बी ग्रुप हमारा जो 50% से प्लस वाले बच्चे हैं उनके लिए होगा। प्रश्नों पर चर्चा कैसे की जाएगी, बच्चों को किस तरीके से प्रश्न आप समझाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कुछ बातें दी गई थी कि बच्चों को होने वाली कठिनाइयों को समझने के लिए हम अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं। अगर हमारे क्लास में कोई बच्चा जिसे कि कोई बात समझ में नहीं आ रही थी तो हमने कैसे समझाया और उससे उसने कैसे सीखा, इस बात पर चर्चा करनी जरूरी है। तो उससे अगर हम दूसरे उदाहरण से समझ पाते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। बच्चों द्वारा क्या भूल थी और किस तरीके की भूल को उन लोगों को समझाने के लिए क्या शामिल किया गया, तो यहाँ पर मैं अपने कुछ अनुभव यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पर इसी जगह पर ये बात समझी थी कि अगर बच्चे की में कठिनाई है, जैसे कि बच्चा 4 में से 2 को अगर हम जोड़ने के लिए कहते हैं या 4 में से हम 2 को घटाने के लिए कहते हैं, तो बच्चा क्या करता है, जोड़ की जगह घटा या घटा की जगह जोड़ कर देता है। तो हमें बच्चे को ये बताना होगा कि जो ये निशान है इसमें 2 डंडियां हैं और जो ये निशान है इसमें 1 डंडी है, यानी अब 1 डंडी है तो 1 डंडी कम है, तो हमेशा याद रखेंगे पहले वाले से कम आंसर आएगा, पहले वाले से कम, यानी यहाँ पर 2 आंसर आया है और ये 4 से क्या है, कम है, ये बात याद रखनी है। जबकि यहाँ पर ये जो धन का निशान है ये से ज्यादा है, ये से ज्यादा है, यानी इसमें 2 डंडियां हैं तो पहले वाले से ज्यादा आंसर आएगा, यहाँ पर 4 + 2 6 होगा और जो 6 है वो 4 से ज्यादा है। तो इस तरीके से धन के लिए हम से ज्यादा और माइनस यानी घटा के इस निशान के लिए से कम की अवधारणा के साथ अगर बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा धन का प्रयोग कहाँ होगा और ऋण का प्रयोग कहाँ होगा या जोड़ की अवधारणा और घटा की अवधारणा को आसानी से समझ पाएगा। ये मैंने अपनी कक्षा में करके देखा है और वास्तव में इससे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से घटाने और जोड़ने की संख्या के बीच में अंतर समझ पाते हैं। तो क्या अब आप इस बात को समझते हैं, तो रेमेडियल कार्य के अंत में हम देखेंगे कि रेमेडियल कार्य समाप्त होने के बाद बच्चों से लगातार कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा कार्य को अगर नहीं सीखता है तो वो भूल जाता है। इसके बाद की बात में रेमेडियल पुनरावृत्ति के लिए हमारे कौन कौन से संसाधन है, तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रैकर दिए गए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो 6ठे दिन हमारी रेमेडियल पुनरावृत्ति होनी है, लेकिन इसके लिए हमें 20 मिनट का ही समय दिया गया है। 20 मिनट जो हमारा कालांश होगा उसमें हम अपनी साप्ताहिक शिक्षण योजना पे कार्य पुस्तिका पर भी काम कराएंगे। तो यहाँ पर रेमेडियल अगर हमारा जो रेमेडियल पुनरावृत्ति के लिए हम संसाधन देखेंगे, तो जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कालांश हमारा किस तरीके से चल रहा है तो उसमें हमारा रेमेडियल पुनरावृत्ति जो कार्यक्रम है वो हमारा 3रे कालांश में आएगा। रेमेडियल योजना पहले कालांश में बनाई जाएगी, उसके बाद रिक्त कालांश है, जिस तरीके से भी इस सत्र में इस कालांश में आप प्रयोग करना चाहें यहाँ पर बच्चे को आप कुछ समझा सकते हैं या उसके जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, और उसके बाद पुनरावृत्ति आप प्रपत्र देंगे जिसे कि बच्चा कार्य करेगा। अगर आपका बच्चा उस कार्य को कर लेता है तो वार्षिक ट्रैकर और साप्ताहिक ट्रैकर को भर करके आप पूरा उसे कम्प्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें गणित किट, गणित पोस्टर और गणित की बोर्ड का प्रयोग करना होगा। शिक्षक के लिए संदर्शिका में रिमेडियल शिक्षण योजना और वार्षिक ट्रैकर उपलब्ध है। बच्चों के लिए कार्यपुस्तिका में पुनरावृत्ति प्रपत्र, गृह पत्रक और कार्यपुस्तिका ट्रैकर दिया गया है। शिक्षण कार्य के लिए एनसीईआरटी की गणित किट, 16 पोस्टर्स और 9 बोर्ड विद्यालय स्तर पर सामग्री के रूप में उपयोग कराए गए हैं या उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये इसके बाद हमें रेमेडियल कार्य और पुनरावृत्ति के लिए जो हमारा 6ठा दिन होगा उसको हम कैसे काम करेंगे, इस विषय पर यह बताया गया है कि जिस एक प्रतिदर्श उदाहरण के तौर पर हमें रेमेडियल प्रपत्र दिया गया है कि किस तरीके से हम रेमेडियल शिक्षण करेंगे, तो इस तरीके से रेमेडियल योजना हमें हमारी संदर्शिका में बना के दिखाई गई है। और इसमें हम बच्चों को पहले से बताएंगे कि क्या क्या चीजें सीखी गई हैं और फिर बच्चों पर विभिन्न बातों पर ध्यान दिलाते हुए उन्हें पुनरावृत्ति साप्ताहिक कार्य पत्रक पर कार्य कराएंगे और उसके बाद साप्ताहिक गृह पत्रक पर भी कार्य कराएंगे। यहाँ पर ध्यान देना है ये कार्य सभी के लिए होगा, लेकिन जो गृह पत्रक है वो मात्र कक्षा 3 के लिए है, यानी जो 2024 और 25 की कार्य योजना है उसमें
कक्षा 3 में ही गृह पत्रक दिया गया है, गृह कार्य पत्रक बाकी 1 और 2 में नहीं है। बच्चों से कार्य पुस्तिका ट्रैकर भरवाया जाना है और कार्य पूरा होने पर वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर भी भरा जाना आवश्यक है। आगे समूह कार्य में रेमेडियल योजना किस तरीके से चलेगी, तो यहाँ पर इनको बताया गया था, ये हमारा वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए समूह कार्य योजना थी जिस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर समूह बना करके डिफरेंट चीजों पर किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, जैसे कि समूह 1 के लिए कक्षा 2 के सप्ताह 12 में शिक्षण उद्देश्यों पर चर्चा होनी थी, समूह 2 के लिए कक्षा 12 के शिक्षण उद्देश्य प्रश्न 76 से 80 पर चर्चा होनी थी, उसके बाद समूह कक्षा 2 के 76 से 80 पर चर्चा और इसीलिए शिक्षण उद्देश्यों पर चर्चा। तो इस तरीके से हमारी ये समूह कार्य योजना थी, इस पर चर्चा कराई गई। अगले उसमें समेकन था, इस समेकन में हमने देखा कि किस तरीके से हम बच्चों से रेमेडियल पुनरावृत्ति कराएंगे, तो इसके स्टेप्स दिए गए थे कि बच्चों को साप्ताहिक आकलन ट्रैकर के अनुसार 2 भागों में बांटना है, समूह ए समूह बी। हमने पहले भी बताया समूह ए में हमारे 50% से कम मार्क अंक वाले बच्चे हैं, समूह बी में 50% से ज्यादा वाले बच्चे हैं। तो ये आप अपने दौरान बच्चों पर ध्यान देने के लिए रखेंगे, बच्चों को जानकारी नहीं देंगे। रेमेडियल कार्य योजना सभी बच्चों के साथ होनी है, रेमेडियल योजना के माध्यम से धारणा को पुनः स्पष्ट किया जाना है, एक तरीके से आप दोहराव करेंगे इसके द्वारा, और उसके बाद रिक्त कालांश का प्रयोग बच्चों के एक्सप्लेनेशन के लिए या उनकी समस्या समाधान के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आप साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक बच्चों को देंगे और इससे गृह कार्य कक्षा 3 में देंगे। इसके अलावा बच्चों को अभिभावकों के द्वारा सहयोग किया जाना है, इस बात के लिए अभिभावकों को आप सूचित भी कर सकते हैं। सत्र साप्ताहिक शिक्षण योजना समेकन क्विज यहाँ पर दिया गया था और इस क्विज में हमें कुछ चीजें बताई जानी थी कि 4 दिवसों के लिए हमारे अनुदेशात्मक कार्य में कौन कौन से संसाधन लगेंगे, कौन कौन से संसाधन शिक्षक स्वयं बनाएंगे, रेमेडियल शिक्षण योजना किन बच्चों के साथ की जाएगी, संदर्शिका और कार्य पुस्तिका के अलावा कौन सी शिक्षण सामग्री उपलब्ध है, जिसके प्रश्न हमें इस अगले स्लाइड में दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन पर चर्चा जरूरी थी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था, इसको जरा आप समझ लें। रेमेडियल शिक्षण योजना किन बच्चों के साथ किया जाएगा और यहाँ पर किन बच्चों की जगह ये अवधि की चर्चा हो गई थी, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन था कि रेमेडियल कार्य शिक्षण योजना जो की जानी है वो 50% से कम वाले बच्चों के साथ की जानी है, ये इसका सही आंसर होगा। 4थे दिवस में गतिविधि का निर्देश है, 5वें दिवस में फॉलोअप और 6थे दिवस में रिव्यू कार्य करेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो जवाब है वो ये जवाब होता है। अगले उसमें साप्ताहिक शिक्षण चक्र के समेकन के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हर कक्षा वार ये चीज दिखाई गई है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया गया है कि गणित कार्य में आप किस तरीके से कार्य करेंगे, तो दिवस 1 में हमारे कालांश कौन से रहेंगे, दिवस 2 में क्या करेंगे, दिवस 3 में क्या करेंगे, तो 1 से लेकर 4 दिवस तक हमारा किस तरीके से काम चलेगा। तो यहाँ पर पहले दिन हमारी शिक्षण योजना कार्यपत्रक गणित खेल, दिवस शिक्षण योजना गणित खेल, दिवस शिक्षण योजना गणित खेल, 4था रिक्त है, इस पे अपने हिसाब से काम करेंगे, फिर शिक्षण योजना समेकन और आकलन कार्यपत्रक है, और यहाँ पर आकर के आप रेमेडियल और पुनरावृत्ति कार्यपत्रक करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये 5वां दिन और ये 6थे दिन की कार्य योजना हो जाती है। यहाँ पर इसके लिए हमें बताया गया है कि नीले कार्य में हमें अनुदेशनात्मक कार्य करना है, समेकन और आकलन हमें लाल कलर से दिया गया है, रेमेडियल हमारा ग्रीन कलर से दिया गया है, और बाद में चौथे इसके बाद खोजे और जाने, ये यहाँ पर एक नया कार्य पत्र वो रखा गया है सेगमेंट, जिसमें बच्चों के लिए गृह कार्य के रूप में नई चीजों के ज्ञान को जोड़ने के लिए बताया गया है। अगले उसमें साप्ताहिक शिक्षण चक्र कक्षा 2 के लिए दिया गया है, यहाँ पर भी लगभग सामान्य अवधारणाएं हैं और सेम चीजें दी गई हैं, इसलिए इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही चीजें हैं। अगले उसमें कक्षा 3 के लिए हमारा यही चक्र दिया गया है, इसमें दिए जाने पर खोजें और जाने के तौर पर हमारा 4थे दिन में ये चीज दी गई है, जिसमें बच्चे के ज्ञान को देखने के लिए खुद से जोड़ने के लिए है, और यहाँ पर 7वें दिन के लिए गृह पत्रक दिया गया है, ये हमारा इम्पोर्टेंट अंतर है कक्षा 2 और 3 की शिक्षण योजनाओं में। तो आगे की शिक्षण योजना को अगर हम देखें तो अब हम समेकन की ओर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारी गणित शिक्षण की योजना का समेकन है, जिसमें 23-24 में गणित शिक्षण योजना कक्षा स्तर के अनुसार 25 सप्ताहों में पूरी की जानी है, 23-24 में गणित शिक्षण योजना की प्रक्रिया 22-23 के समान ही है, दिनों में बदलाव नहीं है, गणित खेल और खोजें और जाने ये एक नया चरण जोड़ा गया है, शिक्षण योजना में गणित शिक्षण योजना के साप्ताहिक अभ्यास में कक्षा 2 में 1 और 2 में गृह कार्य नहीं दिया गया है और 3 में इसे गृह पत्र के रूप में शामिल किया गया है, साविधिक पुनरावृत्ति 13वें और 20वें सप्ताह में होगी, अधिगम के लिए गणित किट, गणित 9 बोर्ड और 16 गणित पोस्टर शामिल किए गए हैं, बहुकक्षीय शिक्षण
एक अगले चरण के रूप में एक बहुकक्षीय शिक्षण हमें समझाने का प्रयास किया गया, जिसमें कि हम का एक टीचर किस तरीके से कई कक्षाओं में एक साथ पढ़ाने का प्रयास कर सकता है। तो ये एक ही कक्षा में हो सकती हैं या अलग अलग कक्षाओं में हो सकती हैं, और इस तरीके से किस तरीके का एक प्रयोग किया जाएगा, क्या प्रविधि होगी, क्या सिस्टम होगा, इस विषय पर चर्चा हमारे ट्रेनर्स द्वारा की गई थी, जिसपे कि एक बहुत ही रोचक वीडियो दिखाया गया था। इसमें बताया ये गया था कि बहुकक्षीय शिक्षण को जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या छवि बनती है, और कहीं शिक्षक कम है या किन्हीं कारणों से ऐसी व्यवस्था बनती है कि बहुकक्षीय शिक्षण करना पड़ जाता है। तो ऐसे में बहुकक्षीय शिक्षण की रणनीति को समझना आवश्यक हो जाता है, और इसके लिए हमें ये बहुकक्षीय शिक्षण के लिए आकलन और नजरिया बताया गया कि सभी स्कूलों में बच्चों को अपनी गति से सीखने और आकलन करने के अवसर मिल सके। यदि बहुकक्षीय स्थिति होने के कारण बच्चे नहीं सीखते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे या शिक्षक? निश्चित तौर पर बच्चे और शिक्षक दोनों ही इसके जिम्मेदार नहीं है, परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। हम दोनों को एक अच्छा प्रयास करना है कि हम किसी भी हाल में बेहतर कैसे कर सकते हैं, बहुकक्षीय शिक्षण की रणनीति क्या हो सकती है, ऐसा उदाहरण जो अपने आप में देखा हो। तो इस विषय पर हमारे प्रतिभागियों द्वारा कुछ चर्चाएं की गई और बहुत सारे अपने अनुभव शेयर किए गए। अगले उसमें सत्र में बहुकक्षीय शिक्षण को लेकर के एक बात ये बताई गई कि कक्षा शिक्षण किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर ये एक प्ले चार्ट दिया गया कि गणित में बड़े समूह में बात करें, दक्षता शिक्षण कक्षा एक में करें, फिर कक्षा दो में करें, इसके बाद बोर्ड पर समूह कार्य कराया जा सकता है, दोनों लोगों को अलग अलग अभ्यास दे दिए जा सकते हैं और बड़े गणितीय खेल कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कक्षा एक और दो को एक साथ पढ़ाने की गतिविधि बताई गई थी, जो कि पहले कालांश में दक्षता शिक्षण है, दूसरे कालांश में दक्षता अभ्यास है, और तीसरे कालांश में गणित खेल की प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। इसी तरीके से हम और भी कक्षाएं इसमें शामिल कर सकते हैं और उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम समेकन की ओर आ जाते हैं कि बहुकक्षीय शिक्षण जो है वो चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसके लिए विशेष योजना की आवश्यकता होती है निश्चित तौर पर, क्योंकि हर बच्चा अपने स्तर के अनुसार सीखे ये बात आवश्यक है। संदर्शिकाओं में सभी शिक्षण योजनाएं खेल गतिविधियां दी गई हैं, इनका प्रयोग कार्य संगत कार्यपत्र की पुस्तिका में है, ये बहुकक्षीय शिक्षण की योजना में सहायक होगा, आपको अलग अलग हेल्प मिल जाएगी जिससे कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा जो चार ये एक्सेलेंट ट्रेनिंग का चौथा दिवस था, इसको भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारे कक्षा के दिन वन, दिवस टू और दिवस थ्री के वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको देख करके अपनी एक्सेलेंट ट्रेनिंग के जो भी बिंदु आपको नहीं समझ में आए हैं उन्हें विस्तार से समझ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।